नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य शर्मा। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की रेस काफी रोमांचक हो चुकी है। भारत और सेमीफाइनल में दूसरी टीम पहुंचने वाली है साउथ अफ्रीका। इसके अलावा नंबर 3 और 4 के लिए जो जंग है काफी रोमांचक हो चुकी है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ये टीमें आपस में लड़ी हुई है और देखना होगा ऑस्ट्रेलिया भी इनके साथ है तो कौन सी टीम ये पहुंचेगी सेमीफाइनल में। लेकिन भारत को अपना जो मैच खेलना है, 8वां मैच खेलना है, वो खेलना है साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही। पॉइंट टेबल में नंबर 2 की टीम शानदार फॉर्म में चल रही है। मुकाबला होगा कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में। अब से कुछ ही घंटों बाद ये मुकाबला शुरू हो जाएगा। तो क्या इस टीम के में कुछ बदलाव होंगे? क्या रोहित शर्मा की कप्तानी वाली इस टीम में, प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव होंगे? रोहित शर्मा कुछ चेंज करेंगे क्योंकि सेमीफाइनल में तो पहुंच चुके हैं। अब हार्दिक पांड्या की जगह प्रसिद्ध कृष्णा भी आए हैं तो क्या उनकी टीम में एंट्री हो सकती है? कहा यह जा रहा है कि तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है ईडन गार्डन में, तो क्या एक स्पिनर को बाहर करके एक और तेज गेंदबाज को लाया जा सकता है? तो चलिए एक बार दोनों टीमों के संभावित प्लेइंग 11 देख लेते हैं। अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो क्विंटन डिकॉक, तेम्बा बावुमा, रासी वान डर डुटन, एंडब मार्करम, हेनरी क्लासेन, डेविड मिलर, मार्को येंसन, गेराल्ड कोइट्जी, केशव महाराज, कगिसो रबाडा और लुंगी एंगिडी, तो ये है साउथ अफ्रीका के संभावित प्लेइंग 11। अब अगर भारत की बात करें तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज, तो ये है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। तो इस प्लेइंग 11 को देखने के बाद साफ साफ पता चलता है कि टीम इंडिया उसी 11 खिलाड़ियों के साथ उतरेगी जिनके साथ वो पिछले 1-2 मैचों में उतरती आई है। यानी कि प्रसिद्ध कृष्णा की जगह नहीं बनती है, यानी कि प्रसिद्ध कृष्णा के साथ साथ शार्दुल ठाकुर भी नहीं आते हैं। 3 तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह। स्पिनर्स में आएंगे कुलदीप और जडेजा, सूर्य कुमार यादव भी अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। तो अब आपको संभावित प्लेइंग 11 बताई तो आपको पिच के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। जैसा कि आपको बताया कि ये मैच हो रहा है कोलकाता के ईडन गार्डन में, तो ईडन गार्डन के पिच को हमेशा से ही बल्लेबाजों के मुफीद माना जाता है। पिच में अच्छा बाउंस होने की वजह से गेंद बल्ले पर काफी आसानी से आती है। बल्लेबाजों के साथ साथ इस ग्राउंड पर तेज गेंदबाज और स्पिनर्स के लिए भी मदद रहती है। इस वर्ल्ड कप में अब तक इस ग्राउंड पर 2 मैच खेले गए हैं। दोनों ही मैच में तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहा है और अब तक दोनों ही मैच लो स्कोरिंग रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि तेज गेंदबाजों के मददगार है तो दोनों टीमों के पास से अच्छे तेज गेंदबाज। साउथ अफ्रीका के पास कोइट्जी है, येंसन है, इसके अलावा रबाडा है। और भारतीय टीम की बात करें तो उनके पास शमी, सिराज, बुमराह की तिगड़ी है। तो आप बताइए कि दोनों टीमों में आपको कौन सी टीम लग रही है मजबूत? क्या आपको लगता है कि भारत साउथ अफ्रीका को हरा देगा या आपको लगता है कि नहीं, साउथ अफ्रीका टीम इंडिया का जो विजय व्रत है वो रोक देगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं अगर आपने अब तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।